before, so curly and so frizzy. You can see here. Oh my god, so frizzy. And after, yes guys, once again welcome to Shyama's Makeover Channel. Ji haan friends, aaj main aapko dikhane ja rahi hoon haircut for curly frizzy hair. Make sure friends, aap is video ko last tak dekhiyega, tabhi aapko samajh mein aayega ki curly aur frizzy hair mein ye khoobsurat sa haircut maine kaise kiya. और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी इनके बालों में फ्रिजी हेयर के लिए हेयर कट कर रही हूँ, कर्ली फ्रिजी हेयर के लिए. तो उसके लिए फ्रेंड्स, बेस्ट शैम्पू भी तो यूज़ करना ज़रूरी है. हाँ, मैं इनके बालों में यूज़ कर रही हूँ लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस का लिज अनलिमिटेड शैम्पू एंड मास्क, जो कि कर्ली फ्रिजी हेयर के लिए बहुत ही अमेजिंग होता है. और उसके बाद ये देखिए, मैं क्लाइंट के बालों में कॉम कर रही हूँ, सेक्शनिंग निकाल रही हूँ बेसिकली. और आपने अच्छे से सेक्शनिंग निकालनी है फ्रेंड्स. देखिए, सेंटर प्रोफाइल सेक्शन करना है सबसे पहले, उसके बाद टॉप ऑफ द हेड से लेके टॉप ऑफ द ईयर तक आपने सेक्शनिंग करना है. यू कैन सी, पहले मैं नॉट्स निकाल रही हूँ अच्छे से, क्योंकि जब कर्ली बाल होता है तो काफ़ी नॉट्स लग जाते हैं, तो नॉट्स को भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप नॉट्स नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, आप क्या हेयर कट अच्छे से कर सकेंगे? नहीं ना. अच्छे से नॉट्स निकालिए फ्रेंड्स. ये देखिए, बैक साइड के बालों को मैंने क्या किया, सेक्शन क्लिप से टक कर दिया है. अब मैं फ्रंट के बालों में स्टार्ट करूंगी हेयर कट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग यू नो मिडिल सेक्शन. यू नो, सबसे पहले मैंने मिडिल सेक्शन से स्टार्ट किया और देखिए, मैंने नोज के पास ले जाके कट किया. यू कैन सी हियर 3 to 4 inches कट. उसके बाद फ्रेंड्स, आपने गाइडलाइन लेना है. देखिए, जो मैंने कट किया वो मुझे गाइडलाइन मिला है, उस गाइडलाइन को लेते हुए मैं बाकी नीचे के बालों को कट कर रही हूँ. सेम वे जैसे मैंने क्लाइंट के राइट साइड के बालों को कट किया, अब मैं काट रही हूँ क्लाइंट के लेफ्ट साइड के बालों को भी. यू कैन सी हियर, सेक्शन बाय सेक्शन आपने गाइडलाइन लेना है और गाइडलाइन को लेते हुए आपने खूबसूरत सा कट देना है. यू कैन सी हियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैं गाइडलाइन ले रही हूँ. ठीक है, अब मैं चेकिंग कर रही हूँ कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है बाल. जहाँ भी आपको बाल बड़ा लग रहा है, कहीं से भी अगर आप चेक कर रहे, यू कैन सी हियर कैसे मैं चेक कर रही हूँ. मुझे लगा क्लाइंट का जो लेफ़्ट साइड है थोड़ा सा मुझे अनइवन दिखा, फिर मैंने सेक्शनिंग लिया और फिर मैं उसको कट कर रही हूँ. बेसिकली मैं इसको, जो अनइवन टोन था उसको मैं इवन टोन दे रही हूँ, इवन शेप दे रही हूँ. अब मैं क्या कर रही हूँ, क्लाइंट को बोला थोड़ा सा बैंड कीजिए अपने सर को, बैक साइड के जितने बाल हैं उनको मैं फ्रंट पे ले जाके कट कर रही हूँ. तो जो गाइडलाइन मुझे कहाँ से मिला, फ्रंट से मिला. जो फ्रंट पे मैं ऑलरेडी कट कर चुकी थी वो मेरा गाइडलाइन था. अब मैं बैक साइड के बालों को ले रही हूँ, कॉम कर रही हूँ और मैं फ्रंट के बालों को मर्ज करके कट कर रही हूँ. यू कैन सी हियर, सो सेम वे जैसे क्लाइंट का लेफ्ट साइड के बालों को कट किया, अब मैं राइट साइड के बालों को भी कट कर रही हूँ. यू कैन सी, जो फ्रंट में मैं बाल काट चुकी थी वो मेरा गाइडलाइन था और उसको बैक साइड के बालों को ले रही हूँ और सारे बालों को मैं फॉरवर्ड ले आके कट कर रही हूँ. सारे बालों को देखिए, मैं फॉरवर्ड ला रही हूँ और कट कर रही हूँ. जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा हेयर कट करने का स्टाइल बहुत ही सिंपल है. यू नो,
कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ही घुमा फिरा के हेयर कट करते हैं। मैं कहती हूँ जी हाँ, सिंपल टेक्निक यूज़ करके जब आप अच्छा से हेयर कट दे सकते हो तो क्यों घुमा फिरा के कट करना है। यू कैन सी वेरी इजी। या अब दोनों साइड से काटने के बाद अब ऑफकोर्स आपको बेस भी तो देना बहुत ज़रूरी है। इनका जो बेस है, जो इनका फाउंडेशन होगा, वो मैं दे रही हूँ उनको यू। जी हाँ, अगर आपको मेरा यू हेयर कट का वीडियो देखना है तो आप सर्च कर सकते हैं यू शेप हेयर कटिंग बाय श्यामाज मेकओवर। उस पर मैंने यू शेप को बहुत अच्छे से खूबसूरती से मैंने मेंशन किया है कि आप यू शेप को किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से मैं इनको यू शेप दे रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने यू शेप क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। अब मैं टॉप सेक्शन में आती हूँ। जो टॉप एरिया है वहाँ पे जो मैंने सेक्शन क्लिप किया था उसको ओपन किया और यू कैन सी हियर मैं इसको कॉम कर रही हूँ और 90 डिग्री में ले जाके मैं इसको थोड़ा सा 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे ले जाके मैं इसको कट करूँगी। फिर कॉम कर रही हूँ, अभी मैं चेकिंग कर रही हूँ। दो पार्टीशन में मैंने डिवाइड किया और जो बैक साइड के जो बाल थे, जो मेरा गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन को ले रही हूँ। यू कैन सी हियर वो गाइडलाइन भी लिया है और उसके बाद थोड़ा सा मैंने नीचे के बालों को जो क्राउन से थोड़े नीचे वाले उनको छोड़ दिया। देखिए अब क्राउन के पोर्शन में जो बाल था मैंने वो लिया और उसको मैं एग्जैक्टली 90 डिग्री में कट कर रही हूँ। अब मैंने क्राउन में, आप देख सकते थे कि टॉप में दो पोर्शन में ही कट किया। पहले मैंने टॉप सेक्शन किया, फिर मैंने क्राउन सेक्शन किया। अब मैं बैक साइड में आई हूँ। यू कैन सी हियर पहले 45 डिग्री में कट कर रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा मैं उठा रही हूँ और फिर 90 डिग्री में कट कर रही हूँ। जी हाँ, थोड़ा और उठाया और उसके बाद चेकिंग किया। दैट्स इट। सेम वे थोड़ा सा गाइडलाइन लिया और दूसरे बाल लिए, जो बाल मैंने नहीं काटे थे उन बालों को लिया, गाइडलाइन लिया और उसके बाद कॉम कर रही हूँ, 45 डिग्री में कट कर रही हूँ, फिर उठाया और उसके बाद 90 डिग्री में कट कर रही हूँ। यू कैन सी हियर, देख सकते हैं आप। सेम वे जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं सेक्शन बाय सेक्शन ले रही हूँ और कट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, सेक्शनिंग का बहुत ध्यान देना है आपने और गाइडलाइन का भी बहुत ध्यान देना है। अगर आपने गाइडलाइन नहीं लिया तो क्या होगा, ऑफकोर्स हेयर कट खराब हो जाएगा। इसीलिए गाइडलाइन लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। यू कैन सी हियर यहाँ पे भी मैं गाइडलाइन ले रही हूँ। ये कॉम किया मैंने और उसके बाद पहले मैंने 45 डिग्री में कट किया, उसके बाद थोड़ा सा उठा रही हूँ और उसके बाद 90 डिग्री में कट कर लिया है। सो अगेन मैं टॉप सेक्शन में आई हूँ। यू कैन सी मैं क्लाइंट को, एक्चुअली मेरी जो क्लाइंट है मैं उनको थोड़ा फेस फ्रेमिंग हेयर कट भी दे रही हूँ। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि मैं क्या थोड़ा शॉर्ट कर दूँ फ्रंट से, थोड़ा मैं आपको बाउंस दे दूँ। तो मेरी क्लाइंट कह रही है हाँ, यू कैन गिव टू मी नाइस बाउंस। तो देखिए जो मैंने बाल काट दिए हैं उनको मैंने दोबारा लिया और फिर इतना सारा बाल देखिए 3 to 4 inches, यस मैं दोबारा काट रही हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैं ऑलरेडी ये काट चुकी थी फिर भी मैं दोबारा काट रही हूँ। क्यों? यही तो टेक्निक है फ्रेंड्स। काट दिया आपने बाल, दोबारा काटने का मतलब ये है कि अगर मैं पहले ही इतना शॉर्ट कर देती तो लेयर्स काफ़ी शॉर्ट हो जाती। तो पहले मैंने लॉन्ग लेयर्स दिया और अब मैं देखिए किस तरह से कट कर रही हूँ। ये देखिए मेरे पास दोबारा गाइडलाइन आया। तो पहले मैंने सेक्शन उठाया, 90 डिग्री में कट किया और ये देखिए मेरे पास अगेन अनदर सेक्शन आया और इस अनदर सेक्शन को लिया
और फिर इसको भी, ये इस सेक्शन को बोलते हैं क्राउन सेक्शन, ठीक है, टॉप क्राउन सेक्शन बोलते हैं। और यू कैन सी हियर दो बाउंस मैं दे रही हूँ सिर्फ क्राउन में, यू कैन सी हियर। जी हाँ, आपने इसको भी 90 डिग्री में काटना है। फिर कॉम कर रही हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं इसको 90 डिग्री में कट कर रही हूँ। यू कैन सी हियर, जो मैंने कट किया दो पार्टीशन में डिवाइड किया, और नीचे के बालों को भी तो मैच करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। उसके बाद बॉक्स सेक्शन से ही लेते लेते देखिए लोअर क्राउन में आ गई हूँ मैं, और लोअर क्राउन पोर्शन को मैंने किस तरह से कॉम किया और उसके बाद 90 डिग्री में कट कर रही हूँ। जैसे फ्रेंड्स आपने हाथ उठा के ही कट करना है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं होते तो हाथ को पहले ऊपर ले जाइए सेक्शन, फिर नीचे भी ला जाके लेके कट कर सकते हैं, नो इशू। सो अब जो मेरी क्लाइंट है, मैं इनको साइड स्वैप बैंग्स भी दे रही हूँ, इससे जो हेयर कट है और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए मेरी जो क्लाइंट है वो राइट साइड में रखती है, तो मैं राइट साइड में नहीं काट रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ उसके ऑपोजिट साइड में जा रही हूँ। मैंने बोला कितना कट करना है मैम, उन्होंने बोला इतना कट कर दीजिए। अब देखिए मैं ऑपोजिट साइड में जाके पहले मैंने कट किया, ठीक है, और उसके बाद मैं क्लाइंट के बैक साइड में खड़ी हो गई, और स्टैंड होने के बाद अब मैं स्लांटिंग सा थोड़ा सा शेप दे रही हूँ। कैन सी हियर, जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनको फ्रिंजेस भी कट कर दिया है, और ये देखिए सेक्शनिंग। अब मैं इनका ब्लो ड्राई कर रही हूँ, यू कैन सी हियर, ये देखिए सेक्शनिंग देख सकते हैं, फ्रिंजेस को मैंने छोड़ दिया, ये देखिए टॉप सेक्शन भी छोड़ दिया है मैंने, फ्रंट के दो बालों को सेक्शन क्लिप से टक कर लिया है, अब बैक के बालों को मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया। और ये देखिए मैंने पूरा सेक्शनिंग करने के बाद अब मैं ये देखिए ब्लो ड्राई कर रही हूँ, और ब्लो ड्राई के लिए मैं ये ब्रश यूज़ करूँगी, ठीक है। मेक श्योर फ्रेंड्स कि आपने ध्यान रखना है एक एक ब्रश का, एक एक स्टेप का। और अगर आप चाहते हैं ब्लो ड्राई का फुल ट्यूटोरियल देखना, तो आप प्लीज़ यूट्यूब में सर्च कीजिएगा ब्लो ड्राई बाय श्यामाज मेकओवर, आई एम श्योर यू विल गेट नाइस इन्फॉर्मेशन फॉर माई चैनल। आपको ब्लो ड्राई का बहुत अमेजिंग ब्लो ड्राई दिखेगा, जहाँ पे मैंने खूब अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ब्लो ड्राई करके दिखाया है। मेक श्योर फ्रेंड्स आप ज़रूर चेक कीजिएगा यूट्यूब में ब्लो ड्राई बाय श्यामाज मेकओवर। जी हाँ, आप जिस सेकेंड सेक्शन जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ डायगनल बैक, पहले हॉरिजॉन्टल लिया आप डायगनल बैक लिया, मोरक्कन का ब्रश यूज़ कर रही हूँ और डेनमिन का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और पहले तो मैंने स्ट्रेट किया देख सकते हैं आप, और उसके बाद स्ट्रेट जब मैं कर रही हूँ बॉटम के बालों में देखिए हीट नहीं लगा रही हूँ, खाली रूट से लेके मिड लेंथ से थोड़ा सा नीचे तक कर रही हूँ। नीचे के जो बाल है, बॉटम के जो बाल है, 3 to 4 inches मैं छोड़ रही हूँ फ्रेंड्स, कैन यू सी दैट, यस। अगर आप उस पर भी स्ट्रेट कर देंगे तो आपका ब्लो ड्राई ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए देखिए बॉटम में छोड़ दिया मैंने, बॉटम में बिल्कुल भी हीट नहीं लगाया। अब मैं बॉटम को मैंने ब्रश से आउट किया और हीट दे रही हूँ। जी हाँ, जब आप मेरा यूट्यूब में चेक करेंगे ब्लो ड्राई बाय श्यामाज मेकओवर, उसमें मैंने एक एक डिटेल्स बताया है कि किस तरह से आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं। मेक श्योर फ्रेंड्स आप चेक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रश को जब आप करते हैं इस तरह से आपने छोड़ना है, उसके बाद यू कैन सी वाओ ब्यूटीफुल, यू कैन सी हर फ्रिंजेस आल्सो, सेल्फी टाइम। ओहो नाइस ब्यूटीफुल अमेजिंग लवली, दिस एकर सूटिंग हर अलॉट। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये खूबसूरत सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइस, सी यू सून।